السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ। अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दूध का उबलकर गिरना कैसा है। यानी आपने देखा होगा आपके घरों में जो दूध उबलकर गिरता है उससे क्या होता है, उसका उबलकर गिरना कैसा है, यही हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने मर्द को कब और क्यों और कैसे पैदा किया। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दिल से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुँचाए। आइए शुरू करते हैं वीडियो। एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आई और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगी, या अली, हमारे घर में झगड़े बहुत होते हैं, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, रिस्क में तंगी रहती है, या अली ऐसा क्यों? बस ये कहना था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, बताओ जब तुम अल्लाह का रिस्क पकाती हो तो कुछ गिरता तो नहीं? तो उस औरत ने कहा, हाँ या अली, जब मैं दूध उबालती हूँ तो वो थोड़ा सा ज़मीन पर गिर जाता है, बस ये कहना था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, जब अल्लाह का दिया हुआ रिस्क गिरता है और गिरकर जलता है तो घर में बेसुकूनी, झगड़े और नफरतें और रिस्क में तंगी होती है। दूध को उबाल कर पीना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि वो दूध ज़मीन पर तो नहीं गिरा। तुम अपनी इस आदत पर काबू पालो, अल्लाह के करम से तुम्हारे घर में सुकूनी, मोहब्बत और बरकत पैदा होगी। तो दोस्तों, आपको पता लग गया होगा कि दूध का उबलकर गिरना कैसा है, और दूध उबलकर गिरता है तो उसके क्या क्या नुकसान है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने मर्द और औरत को कब और क्यों कैसे पैदा फरमाया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत को पैदा किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराया। आप जन्नत में अकेले थे, एक दफ़ा अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद गालिब कर दी और तब वो सो गए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फिर आपके बाई फसली को निकालकर उससे माँ हव्वा को पैदा फरमाया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की निकाली हुई पसली की जगह गोश्त भर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब नींद से जागे तो अपने सर के पास अम्मा हव्वा को पाया। आपने पूछा, तुम कौन हो? उसने अर्ज किया कि मैं औरत हूँ। फरमाया कि तुम्हें किस लिए बनाया गया है? अर्ज किया कि आप मुझसे सुकून पाए और मैं आपसे सुकून पाऊँ। सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने पूछा, ए आदम, इसका नाम क्या है? फरमाया, हव्वा। फरिश्तों ने पूछा, ये नाम क्यों है? फरमाया कि ये हया यानी जिद्दा से पैदा की गई है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि औरत को अल्लाह ताला ने सुकून के लिए पैदा फरमाया है और मर्द को औरत के सुकून के लिए। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, उसकी निशानियों में से है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे ही जिस्म से जोड़े बनाए जिससे तुम्हें सुकून मिले, जिससे ये मालूम हुआ मर्द और बीवी को अल्लाह ताला ने एक दूसरे के लिए पैदा फरमाया। और ये सुकून उसी वक्त हासिल हो सकता है जब शोहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शोहर को समझे, और अगर बीवी भी मियाँ बनने लगे और कहने लगे कि मैं भी मर्द के साथ साथ चलूंगी, तो ये सुकून मुश्किल है। इसी तरीके से आजकल के मर्द भी कुछ ऐसे हैं जो देखने में मियाँ नहीं बीवी नज़र आते हैं। यहाँ पर हमें एक बहुत खूबसूरत हदीस याद आ रही है, तो चलिए हम आपको उस हदीस शरीफ की तरफ लेकर चलते हैं।
मिश्कात शरीफ की यह हदीस शरीफ है कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की औरतों पर सोना और रेशम हलाल है लेकिन मर्दों पर हराम है। इससे मालूम हुआ सोने का जेवर अंगूठी वगैरह औरतें पहनती है मर्द नहीं, लेकिन आजकल शादियों में लड़की वाले दुल्हा मियाँ के लिए अंगूठी वगैरह तैयार करके दूल्हे को पहनाते हैं और उससे दुल्हा मियाँ भी खुश हो जाते हैं, जबकि ये रिवाज बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर हमें ये भी सीख मिली कि औरत की पैदाइश फसली से हुई है और नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत की पैदाइश फसली से हुई और फसली टेढ़ी होती है, उससे नरमी इख्तियार करो क्योंकि फसली को अगर सख्ती के साथ सीधा करना जाओगे तो वो टूट जाएगी और आप जानते हैं उसका टूटना क्या है, उसका टूटना है तलाक। इसलिए औरत से हमेशा नरमी इख्तियार करो। अगर इस हदीस शरीफ पर लोग अमल कर ले तो आए दिन होने वाले जो तलाक के झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां मर्दों के हुकूक औरतों पर बयान फरमाए वहां ये भी फरमाया कि तुम में से सबसे अच्छा शख्स वो है जो अपनी बीवी से अच्छा सलूक करे और मैं अपने बीवियों से सबसे अच्छा सलूक करता हूँ। मिश्कात शरीफ सफ़ा नंबर 242। मर्द का दर्जा अगरचे औरत से बड़ा है लेकिन औरत के हुकूक भी मर्द पर बहुत है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, इन तमाम बातों पर ज़रूर अमल कीजिएगा। दोस्तों, वो छह जानदार चीज़ें कौन सी है जिनको अल्लाह पाक ने बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया है, आइए हम आपको बता दें। नंबर एक, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के वक्त जन्नत से आने वाला दुम्बा, अल्लाह पाक ने इस दुम्बे को बगैर माँ बाप के पैदा किया जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे। नंबर दो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बगैर माँ बाप के पैदा किया और हजरत अम्मा हव्वा को अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया। नंबर तीन, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को अल्लाह ताला ने बगैर माँ बाप के पैदा किया क्योंकि जब अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा तो जब आपने अपने नबुवत का ऐलान किया और पैगामे हक दिया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है तो लोगों ने आपसे नबी होने की निशानी मांगी और कहा आप पहाड़ से ऐसी कोई ऊँटनी निकाल दे जो 9 महीने की आमला हो और इतना बड़ा वो बच्चा दे जितनी बड़ी वो हो, तब हम आपको नबी तस्लीम करेंगे। तो आपने ऐसा कर दिखाया और ये वही ऊँटनी थी जिसने अल्लाह ताला ने बगैर माँ बाप के पैदा किया था। नंबर चार, जिस मछली ने हजरत सलाम को अपने पेट में रखा उससे भी अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा किया था। नंबर पाँच, हुजूर करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर ले जाने वाली बुर्राक जानवर को भी अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर ले गया था। नंबर छः, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आसा मुबारक से बनने वाले अजदहा को अल्लाह पाक ने बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। तो दोस्तों, आपको पता लग गया होगा कि किन किन जानवर को अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा किया है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चार चीज़ें चेहरे की रौनक ख़त्म कर देती है। दोस्तों, प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही प्यारा फरमान है जिसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान की ज़िंदगी में ये चार चीज़ें आ जाएंगी तो उसके चेहरे की रौनक चली जाती है, उसका चेहरा बेरौनक हो जाता है, उसकी ज़िंदगी से खुशियाँ चली जाती है। दोस्तों, जैसा कि आजकल के दौर में चल रहा है कि हर इंसान अपने चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना चाहता है और बेसुकूनी से निजात पाना चाहता है, तो क्यों ना आपको वो बातें बताई जाए जिनसे आप परहेज कर ले तो आपका चेहरा रौनक आ जाएगी, खूबसूरती आ जाएगी, नूर आ जाएगा और आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी।
दोस्तों प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिना करने से चेहरे की रौनक चली जाती है। इज्जत नहीं करना यानी जो इंसान इज्जत नहीं करता उसकी खुशियाँ भी जाती रहती है। उसका इज्जत करना चाहे किसी भी इंसान के मामले में हो या फिर किसी चीज़ के मामले में हो। फजूल किसी बात पर बहस बनाए रखना और किसी गलत काम को बगैर डर और खौफ के करना ये भी खुशियों को ख़त्म कर देता है और चेहरे की रौनक भी इससे ख़त्म हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।